बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सदन की कार्यवाही को शांति प्रिय ढंग से चलाने का सत्ता पक्ष और विपक्ष को आग्रह किया। राजीव बिंदल ने कहा कि सत्र छोटा है, इसलिए दोनों पक्षों से सदन की कार्यवाही को जनहित में चलाने की अपील की गई। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने सत्र काफी छोटा रखा है, विपक्ष चाहता है कि सत्र पूरा चलाया जाए और सभी विधायकों को सदन में क्षेत्र के मुद्दों को रखने का पूरा समय मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार लोकसभा चुनावों का हवाला देकर सत्र में भाग ले रही है, इसलिए विपक्ष भी सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है और सरकार से एक साल के कार्यों का पूरा हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि एक साल में सरकार ने जो घोषणाएं और वायदे किए थे उनमें से एक भी योजना आज धरातल पर पूरी होती नजर नहीं आ रही है। सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन में उतरेगा और सरकार से जवाब मांगेगा। संक्षिप्त सत्र है, हम तो चाहते थे कि सत्र लंबा होता, इन्होंने 13 दिन का सत्र रखा है और हमें इस पे एतराज है। हम चाहते थे कि फुल फ्लैज सत्र होता और 21-22 दिन का सत्र होना था, और हालांकि ये आड़ ली जा रही है कि लोकसभा के इलेक्शन हैं और इसलिए सब कुछ एडवांस किया जा रहा है, लेकिन समय था। हमारी शंकाएं हैं कि सरकार जो है चर्चाओं से भाग रही है, इसलिए उन्होंने ये सत्र शॉर्ट किया है, और लेकिन इनकी अपने मजबूरियां इन्होंने बताई हैं, क्योंकि इसमें राज्यपाल का अभिभाषण है आज और उसके बाद उस पर चर्चा 2 दिन की और बजट पे चर्चा 3 दिन की और कट मोशन है, तो ये सारा लगभग समेटना जो है कोई आसान काम नहीं है। हम चाहते हैं कि सारे मेंबर्स को चर्चा में हिस्सा लेने का मौका मिले, क्योंकि वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने बीते एक साल में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास किया है, विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको वह सरकार को घेर सके, विपक्ष जो भी सरकार से सवाल पूछे कि सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है और उसका उत्तर यह शुरू होगा। हम सत्ता पक्ष से यह आशा करते हैं कि माननीय विधायक जो विधायिका के लिए बने हुए हैं उनके द्वारा दिए गए प्रश्नों का उत्तर सटीक और जनहित में प्रदान करें, और प्रतिपक्ष क्योंकि वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है अपनी बात को कहने का, समाज में पहुंचाने की और प्रश्नों को पूछने की, वे भी जितना अधिक और सदन में रहते हुए अपनी बात को रखेंगे उतना ही अधिक उत्तर और जनता तक उनकी बात पहुंचेगी। अभी द्विपक्षीय बैठक जिसके अंदर संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ एक वार्ता होगी, और हमारा यही आग्रह दोनों पक्षों से रहेगा कि सब लोग और जनहित के लिए आए हैं और जनहित के लिए बने हैं, और हम अधिकाधिक समय सदन के भीतर दे करके और सदन के माध्यम से और समाज की समस्याओं को उजागर